शुरू किया जाए। सब ये आप लोग जो आए हैं उन्होंने रिलैक्स हो गए हैं? नहीं, सब आप लोग रिलैक्स हो गए हो जो भी आए हैं? सब अपनी अपनी जगह थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए, आराम से बैठना है क्योंकि चक्रास को फील करेंगे, और जो डिस्टेंटली बैठे हैं वो भी आराम से बैठ जाएंगे। शरीर हमारा सबसे अंतिम सिस्टम है पूरे यूनिवर्स का, भौतिक शरीर हमारा अंतिम, और ये निर्णायक तत्व भी है क्योंकि शरीर है तभी हम इसमें कुछ काम कर पाते हैं। इट्स अ मशीन वी कैन यूज, मेक द बेस्ट ऑफ इट। जो भी व्याप्त पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमारे पास है, हमें मिली है, ये ब्रह्मांड हमारा है, उसका ज्ञान भी तभी हो पाता है जब ये शरीर है। तो शरीर को, मन को और आत्मा को स्वस्थ रखना हमारा काम। हम जब सजग और जागरूक हो जाते हैं तब इस फ्री फ्लोइंग ब्रह्मांड की ऊर्जा के बारे में जब हम जानते हैं, आगाह हो जाता है, तब हम इसका प्रयोग कर पाते हैं। और जब आपको एक बार प्रयोग करना आ जाए तो इसको निरंतर करिए, क्योंकि जब आपका शरीर आपका साथ देगा तब आप वहां से ऊर्जा को मन के अनेक क्षेत्रों में भेज पाते हो, फिर मन के अनेक क्षेत्रों से जाती है आत्मा में। आत्मा वो एक कहते हैं बहुत ही कंडेंस्ड पावरफुल एनर्जी का स्रोत है जो ब्रह्मांड से एकदम छिटका हुआ है, और उसके बाद हमारा सिस्टम एक शुरू हो जाता है। तो आज जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, पहले तो इस नए वर्ष पर अपने आप को पूर्णता चार्ज करें, सारे चक्रास को एक बार प्यूरिफाई करके शुद्ध करें, और उसमें हम एक हार्मोनाइजर का भी प्रयोग कर रहे हैं जिसको डिस्टेंटली बैठे लोग, हमारे सभी विद्यार्थी, प्रियजन, डिवाइन सोल्स, दिव्य आत्माएं सब ग्रहण कर सकती हैं। तो बिल्कुल इसमें ढीला शरीर छोड़ेंगे, और जब हमारा ये चक्र पूरा चार्ज और ऊर्जान्वित हो जाएगा, जो कि महसूस भी होगा, और उस प्रक्रिया में यदि कोई अप्रिय भाव कौन से होते हैं, दर्द उठना, भारीपन आना, कोई विचार आना, कोई रोने वाला विचार आ जाना, ऐसे फीलिंग को बाहर करना है, क्योंकि वो कहने लगता है भाई मुझे जाने दो, ये हमें उस विचार को, नकारात्मक विचार को समझना है, वो उभर रहा है क्योंकि आप चार्ज हो रहे हो, आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा भर रही है, अब उसकी जगह नहीं है। वो आपको बताता है भाई मैं यहाँ छुपा बैठा हूं, वो दस्तक देता है और हमारा क्या काम है, उसको भस्म करना। ठीक है, ये प्रक्रिया के बाद में हम सब, इतनी अबंडेंट ऊर्जा है, वेल्थ है, यूनिवर्स ने दी है, उससे हम जुड़ेंगे इसी प्रक्रिया। तो इट इज चक्रा बैलेंसिंग एंड वसुधा शक्तिपात। तो सब तैयार हो जाएं, बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, जितना ढीला शरीर हो सके उतना ढीला करें, आनंद में बिल्कुल बैठें। और धारणा को वहां पे लगाएंगे, अपने धारणा को यूनिवर्स से कनेक्ट करें, ब्रह्म ऊर्जा से कनेक्ट करें, आंखें बंद करें और
धारणा को महसूस करें कि ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र तक फ्री फ्लोइंग पहुंच रही है और महसूस करें कि एंटी क्लॉकवाइज इसका प्रभाव हो रहा है वहां पे और ये उल्टा घूमती हुई नकारात्मक तत्व को इकट्ठा करके ब्रह्मांड में भेज रही है। ऐसा भाव इसका जो लाल रंग है वो बहुत उज्जवल हो रहा है, क्लीन हो रहा है। महसूस करें वहीं पे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे तले पर ये ऊर्जा गोल गोल घूम रही है और नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल आप रिलीज कर रहे हो। ये ऊर्जा इस स्वर नाद के साथ में शुद्ध कर रही है। और जो भी अप्रिय भाव उठ रहे पूरे शरीर में स्कैन करो, देखो और उसे निकलती श्वास में बाहर करो या फिर भस्म करो दिव्य अग्नि में। और अब ऊर्जान्वित इस चक्र को हम ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, फिल करें एनर्जी मूलाधार चक्र और प्रबल हो रहा है। उसकी ऊर्जा एक्सपेंड हो रही है, पृथ्वी तत्व प्रधान ये चक्र मुझे प्रसन्नता प्रदान कर रहा है, स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, सभी मनोकामना मेरी सिद्ध हो रही है। ऐसा भाव आनंद का चक्र है, ये स्वास्थ्य का चक्र है, बेसिक नेसेसिटीज को पूर्ण करने वाला चक्र है। और मेरी ये सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, अपने आप पूर्ण हो रही हैं। ऐसा भाव आप यहां से इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्वादिष्टान चक्र नारंगी रंग, पहले उसे शुद्ध करेंगे, ऊर्जा को एंटी क्लॉकवाइज महसूस करेंगे, पहले घूमता हुआ वो नकारात्मक तत्व भाव ईगो अहंकार जो स्थित होता है यहाँ पे उसे वो बाहर कर रही है। ऐसा महसूस करें वो भस्म हो रहा है और अपने पूरे शरीर में मन की गहराइयों में अनुभव करें कि कहां पर अप्रिय लग रहा है। समझिए जानिए कहां पे अप्रिय लग रहा है, कौन से ऑर्गन पर वो दबाव बना रहा है। और फिर धारणा करें, उसको भार फेंकें, भस्म करें, जलाएं, अपने से दूर करें।
और अब उसमें ऊर्जा भरें, महसूस करें नारंगी रंग, भगवा कलर कितना सुंदर उज्जवल हो गया है। और वाम नाद स्वर से इसको ऊर्जा मिल रही है। ये बहुत सुंदर है, आपके नेम और फेम को बढ़ा रहा है। महसूस करिए नेम फेम और मनी का ये क्षेत्र है, और ईगो आपने छोड़ दिया, सबमिसिव, ये छोटा अहंकार है, उसको छोड़ दीजिए। और आप इस ऊर्जा को ऊपर खींचिए और मणिपुरा में लेके आए, पेट के सभी ऑर्गन को दुरुस्त करेगा। यहाँ पे ये ऊर्जा धारणा करें, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज नकारात्मक तत्व बाहर करें, महसूस करें आपका पुराना गुस्सा, डर, ये डर का एरिया है, डर सब बाहर निकल रहा है और इसको बाहर करें। जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स को खराब करते हैं, वो सारे पुराने गिले शिकवे छोड़ दीजिए, भस्म करिए, कुछ नहीं रखना है आज, शुद्ध हो जाना है। और आप क्लॉकवाइज चार्ज करिए, महसूस करिए ये ऊर्जा ब्रह्मांड की आपके चक्र की ऊर्जा को बढ़ा रही है, रेडिएशंस पॉजिटिव हैं, आप डर से बाहर निकल चुके हैं। और रिलैक्स होते जा रहे हैं, आप इस ऊर्जा को ऊपर खींचिए, हार्ट चक्र अनहात, जिसका कोई अहित ना कर सके, वो चक्र है हरा, प्रेम सुरक्षा का ये चक्र, शांति का ये चक्र है। और जिससे भी हमारी शांति जीवन में भंग हुई है, उसको बाहर कर, छोड़ दो, जाने दो। जो भी कारण है प्रेम के अभाव का, उसे भी छोड़ दो, जाने दो, लेट गो कर। और फिर महसूस करो अब क्लॉकवाइज और ब्रह्मांड की अनंत शांति मेरे अंदर, मेरे इस चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, चार्ज हुए, ऊर्जा को ग्रहण करें, महसूस करें कि ईश्वर का अप्रतिबंधित प्रेम मेरे पास है और मैं ये ही प्रेम सबको दे रहा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और अब
जो भी अप्रिय है उसे जला दीजिए, भस्म करिए और इसको आप अपने थ्रोट में, गले में इस ऊर्जा को खींचिए। विशुद्ध चक्र, ये क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, सत्य का चक्र है। आप कभी कभी अपनी बात नहीं कह पाते हो, डरते हो, या फिर वो ऊर्जा नहीं है आपको अपनी बात कहने की, अभिव्यक्त करने की, तो ये चक्र प्रभावित होता है। एंटी क्लॉकवाइज महसूस करें, ये घूम रहा है, हल्का नीला आकाश का रंग, और जो भी अप्रिय है इसके अंदर वो सब जाने दो, भस्म करो। ऐसा महसूस करो, चक्र आपका प्यूरिफाई हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। और अब इस चक्र को पॉजिटिव महसूस कर, घूमता हुआ आपकी बोलने की शक्ति सत्यता के साथ में बढ़ रही है, महसूस करें। आपकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर और प्रभावशाली हो रही है, ऐसा महसूस करें। और सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य को बहुत ही सुंदर तरीके से आप अभिव्यक्त करते हो, और आपका क्रिएशन इतना बढ़ रहा है जैसे कि आप देखते हो आसमान। स्काई इज द लिमिट बट यू आर बियॉन्ड लिमिट, तो जस्ट गो बियॉन्ड दैट। और इस ऊर्जा को ऊपर थर्ड आए, आईब्रो के जस्ट ऊपर और बीच की तरफ केंद्रित करिए, गहरा नीला रंग, और ये ऊर्जा विजडम, बुद्धिमत्ता। अगर कहीं जीवन में हम जस्टिफाई नहीं थे तो अब उसको अपने जीवन से निकालिए। कहीं ज्ञान की कमी थी, अज्ञानता थी, तो उसको अब अपने जीवन से निकालिए और आप उसको शुद्ध करिए। अगर कहीं कोई गिल्ट भाव था उसको जला दीजिए, और अब पॉजिटिव क्लॉकवाइज महसूस करें, ये ऊर्जा बढ़ रही है। ईश्वर आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है, इंट्यूशन आपके बढ़ रहे हैं, आप उनको डिकोड कर पाते हो। ये ऊर्जा जब बढ़ती है तो ईश्वर हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो इंट्यूशन से वो हम समझ पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं। वो शक्ति मेरे अंदर आ रही है, मेरी बुद्धिमत्ता बढ़ रही है और मैं सही निर्णय ले पाती हूं, ऐसा भाव रखिए। और अब इसी ऊर्जा को आप और ऊपर खींचिए, माथे के ऊपर वाले हिस्से पर, और जो भी नकारात्मकता तो रह गया वो सब दूर हो, ऐसा भाव भस्म करें। और फिर पूर्णता, अपने आप को चार्ज महसूस करिए सहस्रार चक्र पर। शिवमय, मैं और ब्रह्मांड एक है, शिवमय होना है। आई एम इन कंप्लीट एनर्जी, फिल फुलफिल्ड फील करिए। धारा प्रभाव ऊपर से नीचे बह रही है ये ऊर्जा, और अब
गोल्डन लाइट मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और ये गोल्डन लाइट बहुत वैभवता अपार धन मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है वो लेके आ रही है ये गोल्डन लाइट। महसूस करें सर के मध्य ये प्रवेश हो रही है और हर चक्र में सुनहरी किरणें बिखेरती हुई मूलाधार तक जा रही है। आप स्वतः गाइड करिए हर चक्र पर घूमती हुई नीचे की ओर उतर रही है और जैसे जैसे उतर रही है तो हाथ में पैरों में हर अंग में हर सेल इस गोल्डन लाइट से भर गया है। महसूस करिए और मैं आनंद से भर रही हूं, आनंद महसूस करिए हर गया। अपने हाथों को ईश्वर को समर्पित करते हुए अखंड इतना बड़ा ब्रह्मांड है इसका मैं हिस्सा हूं, मैं अबंडेंस में रह रही हूं। महसूस करें आई एक्सेप्ट ऑल द गुडनेस ऑफ द यूनिवर्स। हाथों को समर्पित भाव के साथ खोल दीजिए, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट की पोजीशन में आइए। आई एक्सेप्ट, आपके फिंगर्स पे टिंगलिंग सेंसेशंस होने लग जाएंगे, आपका कनेक्शन बन गया है, वसुधा आपके जीवन में उतर रही है और आप उसे खुले हाथ से खुले मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर इसको हृदय पे लगा के ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए धन्यवाद करते हुए। शायद बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप सब। आनंद आया, आनंद आनंद में घुले हुए हैं अभी सब। किसी को विशिष्ट अनुभव हुआ चक्र हील करने में, कहां पे क्या हुआ वो बताइए। बताइए आपको। हाँ भाभी आप आ जाओ इधर, क्योंकि आप ही का चेहरा इधर नहीं आया है। हाँ जब कर रहे थे, क्योंकि आज हमारा यहीं से व्यू हो रहा है। हाँ जी आप बताओ, जब ये चला तो जब चक्र हीलिंग हो रही थी तो आगे चक्र पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई अंदर दवा पड़ रहा है बहुत तेजी से। एंजॉय किया आपने जी, क्या बात है। आप बताओ, आते जाओ फ्रीली। क्या फील किया था? रिलैक्स, कहीं दर्द किसी को उभरा कहाँ पे गया? अभी है, अभी तो निकालना पड़ेगा इसको। आंखें बंद करके बिल्कुल निकालिए, खींच लें। गया, ग्राउंड करिया। और अभी किसी के अप्रिय भाव तो नहीं रुका हुआ है? हाँ जी, क्या महसूस हो रहा था? हाँ क्या बात है। हार्ट तो तुम्हारा बहुत ही कहते हैं ना, विराट हृदय वाली है हमारी गीता, है ना। और वो कोल्डनेस को भेज दिया, विदा कर दिया, वार्मथ है पूरे शरीर में। बहुत अच्छा। और भैया के क्या लगा था?
अरे भैया क्यों चुप है? हाँ जी, आज इन्होंने बाबा को वो कल माला बनाई अपने हाथों से। बाबा आज पहने हुए मस्त हैं, बिल्कुल आनंद में हैं। अब ये बात और है कि इतनी माला में ढक गए हैं कि वो माला नहीं दिख रही। वो आज बिल्कुल एक बाबा लदे में एक मैं लदे। तो ठीक है सब बढ़िया। हाँ भाभी थैंक यू। आपका कोई अनुभव नहीं है? आ जाओ इधर, आ जाइए। क्योंकि ये बहुत काम कर रही थी, इन्होंने पूरा ये हार्मोनाइजर को पूरा अटेंड कर रखा था ना। हाँ जी बताओ। बताइए। मैं पहले तो मैं हार्मोनाइजर को कर रही थी, अटेंड कर रही थी, तो मेरा इतना चक्रा पे ध्यान नहीं था। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद में अपने आप ही अपने डिप में जाती रही जाती रही, मेरे हाथ अपने आप चलते रहे, मुझे नहीं पता। दोनों काम ऑपरेट हो रहे थे। तो फोर्थ चक्र से मैं डिप में चली गई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे थर्ड आई पे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फ्रीज हो रहा है, जम रहा है उसपे बड़ा, लेकिन अच्छा लग रहा था। वो बड़ी फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही थी। फिर बाद में कहने में एकदम से उसपे ऐसा लगा जैसे कोई चक्र घूम रहा है, और घूमते 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 एक बहुत डार्क ब्लू कलर की, जैसे आपका शॉल है ये ब्लैक है पर वो ब्लू थी, भैया ये ऐसा ही था ऐसा ही, और ऐसे करके पूरा कलर आ गया। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, उस कलर में से शाइन निकल रही है खूब, जैसे मणि टाइप की कोई शाइन निकल रही है और वो मेरे अंदर जा रही है। वो बहुत अच्छा फीलिंग हो रही थी, आंख खोलने का मन नहीं हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनके साथ तो लगना पड़ेगा, सारी मणियां इन्होंने ले रखी है। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। भैया ऐसा कुछ आया से मतलब लगा। हाँ अच्छा ये बताओ भाई, कल किसके दर्द पीठ में, बस हाथ उठा दो जिसके पीठ में दर्द था, आपके पीठ में था, आपके पीठ में था। अच्छा तो क्योंकि ना कल रात से चीजें जो आ रही थी ना, उसमें एक पीठ का दर्द भी आ रहा था। मैंने कहा मैं पूछ लूंगी, अब गया नहीं गया आपके, गया नहीं गया पीठ का दर्द? गया। हाँ जी अच्छा अच्छा भाई, खुश खुश हो भाई, इनके भी अनुभव बड़े अच्छे हैं। हाँ आओ बैठो, अनुभव अपना बताओ यहाँ पे। हाँ अच्छा, लेकिन कल रात में सुबह में खुश जाओ खुश जाओ। मगल हाँ ये था जबरदस्त तरीके से था। हाँ भी उभरा यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर उभरा, तो मैंने उसका ध्यान किया, वही उसमें और निकल गया। इनके बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस और बहुत अच्छे से इन्होंने व्यक्त किए हैं, पूरी वीडियो बना के भेजी थी। आप बताओ। सबसे बड़ा तो एक्सपीरियंस यही है कि हम लोग आपकी कृपा से सुरक्षित हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में। ये तो सारे हीलर्स, मेरे ख्याल सब हीलर्स बहुत सुरक्षित रहे हैं। और यस मां, और अभी 4-5 दिन पहले मेरा बेटा गिर गया था। आपस में दो बच्चे लड़ रहे थे बॉल के चक्कर में, गिर गया था। फिर जैसे ही गिरा आधा घंटे के करीब उसका पैर बिल्कुल हिल नहीं रहा था, उसके ही में छूटा। अच्छा मैंने फिर मैं रोने भी लगी थी, फिर मैंने आपका ध्यान किया, सब लोगों को मतलब यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ क्रैक वगैरह हुआ है। मैंने आपका नाम लिया, लेकिन फिर आधा घंटे के बाद वो कह रहा है, वो ऑयल मसाज करने के बाद कह रहा है कि माँ मेरा पैर तो हिल रहा है। अच्छा हाँ जी, और 5 मिनट के बाद ही वो टॉयलेट के लिए चला, अपने आप ही उठ के फिट थी, बिल्कुल फिट है। क्या बात, ये हीली से कितना अच्छा है। देखिए आपके हाथ में ये पावर है, आप कितना अच्छे से सब कुछ सही मैनेज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अकेले ही आप सब दुरुस्त हो, और मैं आपकी कृपा से बस डॉक्टर साहब का भी सब सही चल रहा है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम सामने आई नहीं है, ये रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तुम्हारा बताओ भाई अनुभव, आइए।
हाँ बताइए। बहुत अच्छा लगा करते हुए, एक एक प्यूरिफाई हो रहा था और लोटस की यहाँ पे गड्डी बन रही थी। क्या बात है, वो जो पिंक कलर्स की एंड काफी सारे सहस्र दल कमल अगर बोलते हैं तो वो आप फील कर रहे थे एक्चुअली। और वहाँ एक गेट्स दिख रहे थे जिसमें एक मुक्का सा बन गया था किसी चक्र में। हाँ, वो स्पॉन्ज ही था, वो हट नहीं रहा था, तो नेल्स आए उसको करा तो येलो लाइट भी जल रही है। हाँ, तो ऐसा लगा जैसे कोई ब्लॉकेज खुली, तो मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई थी कि मुझे मतलब कुछ हिलाने का भी मन नहीं हो रहा था। क्या बात, ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। हाँ बच्चा आओ, आ जाओ तुम भी बताओ। हाँ। हाँ, क्यों भाई इतने छोटे बच्चे को अनाथ में क्यों है, कौन कौन सी बातें छोड़ अपने अंदर समेट के रखी हैं? रेडी, 1 2 3 छोड़ना है ना एकदम, आओ बेटा। अब निकाल देना, चलो बढ़िया। हाँ, अब आप ठीक हो हैं? आज सारी चीजें यहीं दे जाना। कल हमारे घर बहुत हालत खराब हुई है, तो आपको नाम लाएंगे। हम आप ही के हैं, हम पूरे आपके हैं, टोटल। आप अपना ये स्वेटर बिल्कुल बांधिए, बिल्कुल बांधिए पहले। खुश रहो, खुश रहो भाई, सब बढ़िया है, खुश रहो भाई। अच्छा 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 अरे भाई खुश रहो खूब। तो अब हम लोग पृथ्वी माँ की हीलिंग के लिए तैयार है। ओ मेरी बिटिया, आ जाओ मेरा बच्चा। ओके इधर आ जाओ, इधर आओ, से हेलो टू एवरीवन। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर ऑल। और एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, अभी मैं लेट होगी मैम थोड़ा आगे। हाँ बताओ। जितना सबसे वो लास्ट वाला जो गोल्डन रेज वाला था ना, उसमें एक स्प्रिंग सा आया यहाँ से बिल्कुल राउंड राउंड राउंड, और वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हुआ। एंजॉय किया, तुम्हारा ये फर्स्ट सेशन है? फर्स्ट सेशन है, और मैंने उसमें ये लास्ट वाला गोल्डन वाला ही सबसे पहले आया। क्या बात, आइए अरे इधर लाइए, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, इधर बैठिए और सबसे हैप्पी न्यू ईयर बोलिए, सामने देखिए, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे बोलिए, ठीक है? बोलो, अब सब आपको देख रहे। बच्चों को तो खूब आशीर्वाद है। हाँ जी भैया, खुश रहिए।